अच्छा वो हाँ मैं वकील साहब के शहर से भी बहुत उम्मीद है हम लोग बाद में नहीं पता ना पहले भाई तालियों की आवाज बहुत कम है भाई अपने अंदर भी अंदर भी आ जाओ ये एक अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे राष्ट्रीय जनता दल औरंगाबाद शहर पूर्व युवा अध्यक्ष का पद मिला है और मुझे सभी भाई यहाँ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह इनकी दुआ से और अल्लाह के करम से मैं दिलो जान से पार्टी के लिए काम करूँगा और हक ईमानदारी से काम करूँगा। और ये जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल ये हर पिछड़े जाति की पार्टी है और सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, इसलिए इंशाअल्लाह मैं इसमें दाखिल हुआ और अल्लाह के करम से मैं पूरा इसमें तहे दिल से पार्टी के लिए भी काम करूँगा और आवाम के लिए भी काम करूँगा। वालों को नमस्कार, मैं विजय कंडारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल महाराष्ट्र। आज बड़ी खुशी से मैं जाहिर करता हूँ आज औरंगाबाद शहर में राष्ट्रीय जनता दल का जिला कार्यालय का ओपनिंग मेरे हाथों से हुआ है और इसी में अख्तर पठान साहब को जिला अध्यक्ष पद पर नवाजा गया है और अजीब भाई को शहर अध्यक्ष पद से नवाजा गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जनता दल तीसरी ताकत बन के उभरेगा और आने वाले सभी इलेक्शंस, आने वाले जो भी इलेक्शंस हैं सभी इलेक्शंस राष्ट्रीय जनता दल पूरे जोर से लड़ेगा और जीतेगा भी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पैगाम है लालू जी यादव का, अमन और शांति का पैगाम है, समाजवाद का पैगाम है। मैं चाहता हूं कि मेरे जो सच्चे साथी हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे जो समाजवाद के सच्चे सिपाही हैं पूरे ज़िले में वो लालू जी का संदेश पहुँचाए और आवाम के लिए शांति और अमन का कार्य करें और आवाम की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है या उन लोग को जो न्याय नहीं मिल पा रहा है कोई सरकारी चीज़ों में, तो उसके लिए हमारे सिपर सालार जो है, थोड़ा आप कैमरा इधर करेंगे, अजीम साहब हैं, आज से जिम्मेदारी पूरे शिद्दत से उठाएंगे और मुझे ये उम्मीद है कि ये पूरी तरह से मेरी उम्मीद पर कायम रहेंगे और अच्छा काम पार्टी के लिए करेंगे। धन्यवाद। औरंगाबाद जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का चुना गया हूँ और मैं इस पार्टी में इस मकसद से जुड़ा हूँ और मैं ये पार्टी को इसलिए जुड़ा हूँ ये पार्टी में कि ये पार्टी में भेदभाव नहीं है, जात पात नहीं है, सब समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने जो मुझ पर जिम्मेदारी दी है, मुझको जिला अध्यक्ष चुना है, मैं पूरे तहे दिल से जान और माल की सब लगा के इसमें मैं तो मेहनत करूँगा और घर घर जाके जो तो दिला जोड़ने की कोशिश करूँगा और अमन कायम करने की कोशिश करूंगा। ये जो जातिवार जो पार्टियाँ आई हुई है, जो MIM है, शिवसेना है, ये जो लोगों के दिलों को तोड़ने का काम कर रही है, मैं इंशाअल्लाह ये दिलों को जोड़ने का काम करूंगा। और मैंने कल भी एक बाइट दिया था, मैं एक समझता हूँ कि अभी आजकल जब से MIM यहाँ पर आई है इतना जातिवाद बढ़ गया, इतना जातिवाद बढ़ गया है, हर इंसान एक दूसरे को नफरत की नज़र से देख रहा है।
और मैं चाहता हूँ कि मैं अभी आप एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर किसी की मौता भी हो जाती है तो एक शख्स पूछता है यार ये कौन था, कौन सी जात का था, कौन से समाज, ये नहीं पूछता कि यार ये मेरा भाई था, ये मेरा हिंदुस्तानी था, ये नहीं पूछता आजकल। हम ये छोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और हम तन मन धन से इसके अंदर मेहनत करेंगे। इतना कह के दो सब खत्म करता हूँ।